हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हो? तो रोज रोज स्ट्रीट फूड खा खा कर मैंने ना अपनी तोंद निकाल ली है, मतलब कि मैं बहुत ही ज्यादा मोटी हो चुकी हूँ। तो पहले तो मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन अब जब मेरे खुद के कपड़े मुझे आने बंद हो गए और मुझे दूसरे भी घर वाले खरीद कर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे कपड़े ले लिए हैं जो कि मुझे टाइट हो रहे हैं, तो मुझे अब एहसास हो रहा है कि मुझे पतला होना चाहिए, तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो आप लोग डरिए मत, क्योंकि मैं स्ट्रीट फूड खाना बंद नहीं करने वाली हूँ। मैं डाइट तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक्सरसाइज वगैरह तो शुरू कर सकती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इससे रनिंग करूंगी, रनिंग और वॉकिंग करूंगी मॉर्निंग में, ताकि मेरा सेहत जो है वो ठीक हो सके और ताकि मैं अपना वेट लूज करूं और मैं अपना जो है बॉडी वो मेंटेन कर सकूं। तो इसके लिए आज सुबह ही मैं 5:30 बजे उठी और 6 बजे हम फ्रेश होकर 6 बजे आ गए ट्रैक पर। देखो कि यहाँ पे आज मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में सनराइज देखा है। पहली बार तो वैसे नहीं देखा है, पहले भी देख चुका हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने कब देखा था। कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये ट्रैक जो है वो 1.25 किलोमीटर का ट्रैक है, तो मैं यहाँ पे ना इसका कम से कम 2 राउंड लगाऊंगी, ताकि कम से कम मेरा 2.5 किलोमीटर तो हो, तभी मैं जल्दी से जल्दी वेट लूज कर पाऊंगी। वरना मैं अपने पुराने कपड़े यार कैसे पहनूं, मुझे तो टेंशन हो रही है, मेरे सारे कपड़े मेरे टाइट हो रहे हैं, मैं क्या करूं। तो चलिए जल्दी से वॉकिंग स्टार्ट करती हूं। वॉकिंग करते करते मैं बहुत ज्यादा थक गई, आज पहला दिन था जिस वजह से बहुत ही ज्यादा थक गई मैं। तो वापस आते टाइम हमने रास्ते में पी नारियल पानी। देखो कितने अच्छे से अंकल ये नारियल काट रहे हैं, ये बस 15 रुपए में एक नारियल दिया जिसका पानी हम पी सकते हैं और इसके अंदर नारियल भी है जिसको हम खा सकते हैं। पानी पीने के बाद हमने अंकल को बोला कि वो इसको अंदर से फाड़ दे, तो घर पे ले आकर ये देखो मैंने चाकू की सहायता से ना इसमें से नारियल बाहर निकाल लिया है और रख लिया है। रनिंग के बाद 2 घंटे रेस्ट किया और उसके बाद सुबह में मैंने खाई ये चाय, साथ में मैंने लिया था पोहा। आज पीजी में बना था पोहा और चाय, तो मैंने ना पोहा ये खाया नहीं, मुझे कुछ इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सिर्फ इसमें से मूंगफली के दाने खाए और साथ में मैंने खीरा खा लिया था और चाय भी पी लिए थे। लेकिन ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप लोग मत चाय के साथ खीरा ट्राई कीजिएगा, ठीक है। दोपहर में भी आज काफी ज्यादा हेल्दी खाना बना था, ये बना था पुलाव और साथ में एक एक अंडा दिया था और साथ में दिया था रायता, जो कि काफी ज्यादा फुलफिलिंग था और हेल्दी था, जो काफी मुझे अच्छा लगा। और रात के खाने में मुझे तो बस रोटी मिल गई, इससे ज्यादा सुकून क्या ही हो सकता है। तो मुझे मिल गई थी पत्ते गोभी की सब्जी, साथ में ये बैंगन था, पता नहीं शिमला मिर्च था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं लग रहा था, ना टेस्ट से पता लग रहा था ना देखने में पता लग रहा था। और साथ में मैंने ले ली थी 2 रोटी। मुझे रात का लंच कुछ ज्यादा खास नहीं लगा, ये ठीक ठाक सा था। तो देखिए ये बिचारी एक लड़की जो कि जिसको कि यहाँ की सब्जी पसंद नहीं आई, तो वो कैसे लेज के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर राइस का खा रही है। ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो और मैं भी जरूर एक बार ट्राई करूंगी। मुझे ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, खाने में तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी ऐसा वियर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई किया है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और आप लोग ये भी बता दीजिए कि कौन कौन मेरी तरह मोटी या मोटा हो चुका है जो कि अब अपना वेट लूज करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।